गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू तिवारी रियल ब्लॉग्स में। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 7 लगभग। सुबह का सारा काम हो चुका है यहाँ पर, पूजा कल समाप्त हो चुकी थी और मैं नहा धो के एकदम तैयार हो चुकी हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आज मुझे जाना है अपने घर, मौसी के घर से मेरी हो जाएगी विदाई। तो यहाँ पर देखिए मेरी ननद रानी किचन में चाय वाय बना रही है। मैंने बर्तन धुला, झाड़ू लगाया, जो और सारे बर्तन थे बाहर धुले गए। बहुत सारा काम था, यानी पूजा हुई, खाना पीना था, तो इसकी वजह से बहुत सारा काम था। तो सुबह 5 बजे से जो है हम लोग उठे थे, सारा काम निपटा के अब यहाँ पर चाय वाय बन रही, हम निकल जाएंगे यहाँ से क्योंकि हमको घर पहुँचना है। देखिए दीदी हैं तो फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारी दीदी हैं बड़ी जेठानी जिनके घर हम आए हुए हैं, और यहाँ पर हैं दीदी जी के बाबू जी हैं और गौरव भैया हैं। तो यहाँ पर बाबू जी पूछ रहे हैं, मतलब भैया पूछ रहे हैं कि चाची सब बाद में बोलोगी? तो हम बोले भैया कि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कोई कुछ बतिया रहा है, मैं वीडियो बना रही हूँ, कोई कुछ बात कर रहा है, तो इसकी वजह से फिर बाद में वॉइस को म्यूट करके फिर सारी आवाज़ देते हैं। तो बस मैंने सोचा इसी बहाने घर की पूरी आप लोग को दिखा दें जो है अच्छे से। ये घर है, मतलब ये हॉल है, यहाँ पर ना मतलब पिताजी और दीदी और भैया बैठे हुए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, थोड़ा मौसी जी के पास चलते हैं। जाते अपने घर है, मेरे मौसी में दिन भी याद करी फिर भाई ना फिर गौरव शादी में मतलब दुल्हन देखे हम लोग, ठीक रहे ना? तो कहूँगा पूछ ली अपने मौसी, पूछ ली चाय हुए मेरे मौसी पीन की ना हम चाय पिए मंजन के है, अब नहा चलते है। कल इतना बजे आ रहे हैं, मतलब घर से निकले रहे बात चला जाता निकला रहे। तो यहाँ पर मैं जो है बैक कैमरे से पूरा अच्छे से आप लोग को दिखा देती हूँ। दीदी जो है पिताजी से बात कर रहे हैं क्योंकि पिताजी को, यानी जो भी लोग आए हैं सबको जाना ही है, ऐसा नहीं कि कोई रुकेगा। आप देखिए अच्छे से पूरा कमरा, यहाँ पर हॉल है, ये मेहमान के लिए यानी गेस्ट हाउस कह लीजिए आप लोग। ये देखिए मौसा जी हैं और ये बाहर का पूरा है गेट है, मतलब ये भी हॉल है। यहाँ पर गाड़ी वगैरह डबल गेट लगा हुआ है, इधर साइड एक लगा है, एक सामने से है। तो बाहर का भी दिखा देती हैं आप लोगों को सारा सब कुछ। ये देखिए बाहर की खिड़कियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही प्यारा है। तो चलिए फिर आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहेगा। यहाँ पर हो रही है सबकी विदाई, जो मतलब किनको क्या दिया जा रहा है, साड़ी वगैरह जो भी विदाई मिल रही है, तो मैं सब कुछ घर पर दिखाऊँगी आप लोगों को। प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। यहाँ पर दो ननद हैं और पूजा बिटिया हैं, यानी दीदी की बड़ी बेटी जो है, तो सबको कपड़े विदाई में दिए जा रहे हैं। मौसा जी बैठे हुए हैं और हमारी मौसी जी हैं, दीदी खड़ी हुई हैं, ननद रानी हैं, हम भी यहीं पर हैं। तो मैं अपना भैया जो हमारा काम है वो कर रही हूँ अच्छे से। तो यही सब कुछ है यहाँ पर। चलिए फिर आप लोगों को हम ना घर पे दिखाएंगे कि विदाई में क्या मिला है मौसी जी के यहाँ से, और सबको मतलब सबका एक ही जैसा 19-20 है, सबकी विदाई में ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग है। तो मैं अगर यहाँ पर क्लियर दिखा देती आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक तो बने नहीं रहते हो, वीडियो को पूरा वॉच कर देना, लाइक शेयर कर देना। यहाँ पर अच्छे से बातचीत हो रही है, चाय और नाश्ते के बाद हम निकल के उसके बाद जाएंगे छोटी सिस्टर यानी देवरानी के यहाँ। तो यह किचन, पूरा किचन में आ गए हैं। वैसे मैंने कुछ तो छोड़ा नहीं है, 3 वीडियो मैं वहाँ की डाली हूँ, तो सब कुछ लगा दिखाई दिए हैं। तो नमस्ते दोस्तों, बज रहे हैं रात्रि के कितने बज रहे हैं, 8:30 क्या 9 के आसपास का टाइम हो रहा है। मैंने सोचा ब्लॉग को एंड कर देते हैं और विदाई में क्या कुछ मिला है जेठानी जी के यहाँ से आप लोग को दिखाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा आप लोग एंजॉय करा करिए, फुल वीडियो को आप लोग वॉच नहीं करते हैं। जो चैनल पर आते हैं नए, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल ही जाते हैं, तो भूला मत करिए। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलेगी। और चलिए फिर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, आप लोग बीच में ही छोड़ के चले जाते हो। बेटी को क्या मिला, ननद को क्या मिला, और जेठानी जी ने देवरानी को क्या दिया विदाई में, और छोटी देवरानी के यहाँ से क्या मिला, सब कुछ दिखा देते हैं आप लोगों को जो है। अब फुल एंजॉय किए, फुल मस्ती किए, इसके लिए मैंने 3 वीडियो शेयर किया वहाँ का, सब गीत वगैरह जो कि मेरी बुआ ने गाया हुआ था और मेरी ननद ने गाया हुआ था, मेरी देवरानी ने गाया हुआ था, नाच वगैरह सब कुछ मैं शेयर कर दी हूँ। तो ऐसा करती हूँ आप लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी। चलिए फिर दिखा देती हूँ और ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। खाना पीना सारा काम हो गया, रात में जब वीडियो बनाती हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है, और दिन में बनाती हूँ तो दिक्कत ही रहती है, पूरे दिन एक हाउस वाइफ का काम तो होता है आप लोगों को पता ही है। और सबसे ज़्यादा मैं सर्वाइकल प्रॉब्लम, गले से बहुत ज़्यादा परेशानी है हमको,
चलिए देखते हैं किसको दिखा लें कि आराम हो जाए। बस यही दिन रात सोचते रहते हैं और जब तक दर्द बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सच में आप लोग मदद भी नहीं कर रहे हो और क्या कैसे लाइफ कट रही हो तो हम ही जानते हैं। तो साड़ी वगैरह सबको मिली थी, आप लोगों ने देखा ना, वहाँ पर मौसा जी थे, इसके लिए बात करने का मतलब बताने का टाइम नहीं मिला किसको क्या कौन सी साड़ी किसकी है। बस थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया हुआ था फिर तो बताते हैं। ये देखो कितनी प्यारी साड़ी, बहुत प्यारा कलर है सच में, मतलब ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट कलर है ये। और चुनरी है ये देख लीजिए, इसका लेस पट्टी बहुत ही प्यारा है, बहुत बढ़िया। तो मेरा सेम सेम मेरा और छोटी दीदी का यानी छोटी ननद जी का एकदम ऐसे ही था, एकदम ऐसे ही सेम सेम था हमारा दोनों लोग का। और ये है इस पर पेटीकोट है, तो ज़्यादा टाइम नहीं, आधे घंटे के लिए छोटी देवरानी बोल के गई थी शाम को कि दीदी मेरे घर भी आना, यानी मौसी के दो बेटा दो बहू हैं उनके यहाँ भी गए थे। ये वाली साड़ी अब निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को, छोटी सिस्टर के यहाँ से मिली थी, बोले नहीं दीदी पहली बार आए हो तो ऐसे मत जाओ। ये देखो ये वाला, ये भी बहुत प्यारा है, कलर वगैरह मेरा फेवरेट कलर लाल और पीला यानी ऑरेंज कलर है, ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है इस पर पेटीकोट है, ये भी बहुत ही मुलायम कपड़ा है एकदम, मतलब डेली यूज के लिए बहुत बेहतर है। दोनों साड़ी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए बात में टाइम वेस्ट किया, इसी तरीके से सबको साड़ी वगैरह जो भी भगवान ने दिया था दान जगछेड़ा जी के, अच्छे ढंग से विदाई हुई, अच्छी आवभगत हुई, परिवार अच्छे से रहे। सबसे ज़्यादा देने लेने से ज़्यादा परिवार का प्यार होना चाहिए, जहाँ की जाओ तो दिल खुश हो जाता है, मतलब बच्चे से लेकर बड़े सब लोग अगर आपस में अच्छे से रहते हैं, बातचीत करते हैं, नहीं तो कोई इधर मुँह किया हुआ है कोई उधर किया हुआ है तो आप उनको बहुत ज़्यादा कुछ भी दे दो तो वो चीज़ मायने नहीं रखती है। मेरे हिसाब से मायने रखता है साथ संग प्यार देवरानी जेठानी का, चाहे वो खुद की हो। अगर दिल मन नहीं मिल रहा है तो कोई नहीं पराया है, अगर जिससे प्रेम है तो अपना है, जो प्रेम नहीं है तो हाथ की सारी उंगलियाँ एक बराबर नहीं हैं, तो जो यूज में नहीं आ रही है उसका कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए फिर अच्छी जानकारी अच्छी वीडियो के साथ, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा इधर उधर की बात, लेकिन लगता है कि घुमाना पड़ेगा, पूरी लाइफ शेयर ही करनी पड़ेगी तभी आप लोग मुझे समझोगे और मुझे फुल सपोर्ट करोगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।